21 मार्च 2024 समय कुछ 3:52 हो रहा था, तब ये खबर आई कि महेंद्र सिंह धोनी अब आईपीएल में सीएसके की कप्तानी नहीं करेंगे, किसी और को कप्तानी सौंप दी गई है। इसके बाद एक बार फिर फैंस का दिल टूटा, और क्योंकि 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा था तो सभी को इंतजार था कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर टॉस पर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टॉस पर ऋतुराज गायकवाड़ फाफ डुप्लेसिस के साथ नजर आएंगे। हम सबको पता महेंद्र सिंह धोनी ऐसा ही कुछ करते हैं, बिना बताए बिना प्लानिंग के कुछ अचानक से हम सबको जानकारी देते हैं और हम सब उस पर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें कप्तान बनाया गया है वो भी शॉक्ड हैं, पर उनको ये बात पता थी, उनको ये हिंट था। उन्होंने कई खुलासे किए जब उन्हें कप्तान बनाया गया, उसके बाद जब वो फोटो सेरेमनी से वापस आए, जब सारे कप्तानों की हो रही थी तो वहाँ उन्होंने बात करते हुए खुलासा किया कि क्या थी वो बात, कैसे कप्तानी की बात चली और आखिरकार उन्हें कैसे कप्तान बनाया गया, वो हम सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के नए कप्तान बन चुके हैं। गायकवाड़ बताते हैं कि उन्हें कप्तानी के बारे में महेंद्र सिंह धोनी ने जब पिछले साल टीम चेन्नई जीती थी तभी कुछ हिंट देना शुरू कर दिया था। धोनी ने उनसे कहा था कि अब तुम अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसके बाद पूरे एक साल तक कोई बातचीत नहीं हुई कप्तानी को लेकर। उसके बाद जब 1 मार्च से सीएसके का कैंप शुरू हुआ और धोनी 4 या 5 मार्च को जब कैंप से जुड़े तब वो ऋतुराज गायकवाड़ से मिले। ऋतुराज बताते हैं कि जब मैच प्रैक्टिस होती थी या फिर कोई मीटिंग होती थी तब मैं कोच फ्लेमिंग और बॉलिंग कोच समेत धोनी के साथ वहां पर बैठ के चर्चा करते थे, यानी कि डिसीजंस लेते थे और कुछ बातें करते थे। तब मुझे वहां से बैक ऑफ द माइंड मेरे मुझे लगने लगा कि मैं हो सकता है टीम का कप्तान बनने वाला हूँ। लोगों के बीच चर्चा भी चल रही थी टीम कैंप में कि आने वाले समय में क्या तुम कप्तान बन रहे हो, तुम ही कप्तान बनोगे, ये सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, पर मैं श्योर नहीं था तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते पहले महेंद्र सिंह धोनी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो और तुम अब सीएसके की लेगेसी को आगे बढ़ाओगे और चेन्नई की कप्तानी तुम्हारे हाथों में सौंपी जाएगी। उस वक्त मैं इमोशनल भी था और एक गर्व महसूस हो रहा था कि धोनी भाई ने मुझे कप्तानी का जिम्मा सौंपा है और मुझ पर भरोसा जताया कि मैं इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा सकता हूँ। यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ ओवरवेल्म तो है ही, साथ ही साथ धोनी का जो भरोसा उन पर आया है उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जब ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने तो कई लोगों के ट्वीट भी आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आए कि ऋतुराज गायकवाड़ हमें पता है कि आप कर लोगे, जो शू में आप पैर डालने वाले हो वो बहुत बड़ा है और उसकी लेगेसी भी बहुत बड़ी है, पर हमें उम्मीद है ये कारनामा तुम कर दिखाओगे। ऋतुराज गायकवाड़ आगे बताते हैं कि जब उन्हें कप्तानी का जिम्मा मिल गया तो उसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो वहां पर फाफ डुप्लेसिस और मैं दोनों लोग आपस में मिले और बातचीत किए, तो मैंने प्लेसिस से कहा कि साल 2021 में हम दोनों एक ही टीम के लिए खेल रहे थे, हमने ट्रॉफीज जीती, हम एक साथ बैटिंग पेयर शेयर करते थे, पर किसने सोचा था कि 3 साल बाद हम दोनों अगेंस्ट होंगे, टॉस पर एक साथ होंगे और अपनी अपनी टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। वो पल भी मेरे लिए बहुत इमोशनल था। गायकवाड़ कहते हैं कि मैं धोनी के इस भरोसे को और इस फ्रेंचाइजी ने जो मुझे सिखाया है कैसे सफल होते हैं, कैसे इंसान और क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मैंने इस फ्रेंचाइजी से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, तो अब मैं इस फ्रेंचाइजी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करूंगा और जो भरोसा धोनी ने फैंस का जीता है वही भरोसा मैं फैंस का जीतने की कोशिश करूंगा। हाँ, धोनी जैसा मैं नहीं बन सकता, पर कोशिश करूंगा कि फैंस को धोनी जैसा कुछ तोहफा जरूर दे सकूं, यानी कि थोड़ा बहुत था कि फाइनल जिताऊं या फिर फाइनल में टीम को पहुंचाऊं। आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ की बातों से आप सहमत हैं या नहीं, या ऋतुराज गायकवाड़ ही बेस्ट कैप्टन है? आप हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।